राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण को लेकर आरएफएफ यानी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की टीम एक बार फिर सामने है। आरएफएफ पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए आरएफएफ फाउंडर संजना शर्मा, जाने माने एडिटर और डायरेक्टर, और आरएफएफ जूरी मेंबर नरेश मल्होत्रा और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इंद्रजीत बंसल ने बताया कि इस बार आरएफएफ में सिर्फ राजस्थान की नहीं अन्य कई राज्यों की भी मूवीज़ दिखाई जाएंगी, शामिल की गई हैं, जिससे कि राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। 28 सितंबर को होने वाले आरएफएफ फंक्शन को बॉलीवुड के जाने माने कलाकार श्रेयस तलपड़े होस्ट करेंगे। गिन लीजिए चाहे अदरवाइज मटेरियल वाइज गिन लीजिए, क्योंकि आज इतनी दुनिया चेंज हो रही है कि जो चीज आज आपको अच्छी लग रही है ना, शायद एक साल बाद वो स्टोरी आपको अच्छी ना लगे। अब आप अगर साल साल भर वेट कर रहे हैं कि सब्सिडी मिलेगी तो फिल्म रिलीज करेंगे, तो फिल्म तो खराब होगी ना। वो क्या फायदा है एक वो छोटे से पैसे लेने के लिए प्रोड्यूसर जो अपनी फिल्म ही रिलीज ना कर सके। मुझे लगता है गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉलिसी अगर चेंज करे और दूसरे स्टेट्स की तरह कर ले कि आप फिल्म रिलीज करिए और हम नहीं। देखो वो बजट्स वजट्स को लेके भी बात है, उनकी फिल्म मेकर्स की सोच को लेकर देखिए। उनकी फिल्म 4 स्टेट्स में चलती है, राजस्थान की 4 स्टेट्स में नहीं जाती है, तो वो बजट भी उस तरह के होते हैं। तो अगर ऐसी पंजाब का है, पंजाब के भी बजट थोड़े राजस्थानी फिल्मों से ज्यादा होते हैं, तो अगर थोड़ी गवर्नमेंट की हेल्प मिल जाए और थोड़े प्रोड्यूसर्स की थोड़ी और पहुंच बढ़ जाए, तो ये जो स्टेट का जो भी फिल्में आई है जो, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है ना इंटर स्टेट्स और ये नेशनल लेवल पे, दैट कैन हेल्प अ लॉट। ने ये कदम उठाया है, इसका रिस्पॉन्स 28 सितंबर को पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स है, मगर फिल्में बहुत आई है स्टेट से और सबने बहुत खुशी जताई है कि ये एक बहुत अच्छा काम है जिससे हम एक दूसरे के साथ मिले। क्योंकि अगर राजस्थान में किसी को शूटिंग करनी है और वो गुजरात का आर्टिस्ट है तो उसको करने के लिए प्रॉब्लम आती है।